हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नया फ्रेश वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे डीप फ्रिज की, कि किराना दुकान में कौन सा डीप फ्रिज लगाना चाहिए और किराना दुकान को ये क्यों ज़रूरी है। और दोस्तों मैं बता दूँ, मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने नया फ्रिज खरीदा है डी। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हो सके, जो किराना दुकान खोलना चाहते हैं उनको ये पता चल सके कि डीप फ्रिज की कितनी आवश्यकता होती है दुकान पर। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ। आप देखोगे दोस्तों वीडियो में, इस प्रकार का ये डी फ्रिज लेके आया हूँ मैं, और ये टाटा कंपनी का वोल्टास का प्रोडक्ट है, और जो इसकी लीटर क्षमता है वो 500 लीटर का ये फ्रिज है, और ये वाइट कलर का है, और ये डबल डोर का है, और इसके अंदर दो जालियाँ निकलती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार की। और ये नया पीस है टाटा कंपनी का, और ये काफ़ी महंगा पड़ा है क्योंकि अब महंगे हो गई हैं सभी चीज़ें। मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा इसको लास्ट में, आपको ये मुझे कितने का पड़ा है। क्योंकि दोस्तों किराना दुकानदार को कोल्ड ड्रिंक, आजकल हर किराना दुकानदार और जनरल स्टोर वाला कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये डीप फ्रिज होना ज़रूरी है, क्योंकि वह दूध दही छाछ भी रखता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखता है, तो इसलिए डीप फ्रिज ज़रूरी हो गया। क्योंकि आजकल 8,000 की 10,000 की जो किराना दुकानदार सेल करता है रोज़ की, तो उसके लिए फ्रिज ज़रूरी है, क्योंकि उस छोटे फ्रिज से काम नहीं चलेगा, आपको घरेलू फ्रिज से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको डीप फ्रिज लेना पड़ेगा। तो इसलिए इससे क्या है, ज़्यादा ठंडी भी होती है और इससे सेल भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्जिन भी कोल्ड ड्रिंक में है। अपन कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे दुकान पर तो अपन को प्रॉफिट कम होगा दुकान पर। तो आप देखोगे इस प्रकार का ये डबल डोर का है, और ये काफ़ी अच्छा है, 500 लीटर का है जैसा कि मैंने बताया। और इसमें दो प्रकार की सुविधाएं दी हुई हैं, ये फ्रीजिंग भी है और कूलिंग भी, यानी कि ठंडा भी करता है और ये बर्फ़ का भी, बर्फ़ भी जमाता है ये फ्रिज। जिस स्विच दिए हुए हैं इसके दोनों, आप जिस स्विच पे करोगे उस पर ये आपको, ये फ्रीजिंग पर करोगे तो आपको बर्फ़ जमा देगा, कूलिंग पर करोगे तो ज़्यादा ठंडी करेगा, ठीक है दोस्तों। और ऑटोमेटिक मोड पर भी चलता है ये, ज़्यादा अपना ऑटोमेटिक ले लेता है। तो दोस्तों ये फ्रिज काफ़ी अच्छा है, और ये इसकी बारे में जो बुक मिली है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके बारे में कैसे चलाना है, कितने घंटे चलाना है, कंप्रेशन की वारंटी, बाकी सब जो डिटेल होती हैं एक फ्रिज की, बहुत सारी इसमें है। और ये इसके साथ इसकी चाबियां मिलती हैं डबल डोर की, इसको खोलने की। और ये इसका बायपर है, ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो इसको बर्फ़ हटाने का काम आता है। और मैं आपको बिल दिखा दूँ, ये मुझे पड़ा है 28,800 रुपये का, ये फ्रिज पड़ा है, आपको मैं बिल दिखा दूँ। ये आप देखो 28,800 रुपये का पड़ा है टोटल, वोल्टास चेस फ्रीजर डबल डोर कंट्रवेल, 28,800 रुपये का ये मुझे फ्रिज पड़ा है। बहुत अच्छा फ्रिज है दोस्तों, पहले भी मेरे पास टाटा कंपनी का ही फ्रिज था। तो दोस्तों वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको ये मुझे बताइएगा, और इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।